हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को कोरोना राहत के रूप में मुफ्त राशन दिया गया है। अब तक 24 लाख लोगों को 12,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया है। शिमला जिले में सुनी क्षेत्र के लाभार्थी इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्रा शर्मा है, मैं गुलथानी गांव की रहने वाली हूं। मुझे मुफ्त राशन मिला है, मैं मोदी सरकार के धन्यवाद करती हूं। मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं गुलथानी का रहने वाला हूं। मुझे मुफ्त राशन मिली है और मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लाखों परिवारों के लिए सहारा बनी है और अब तक 8,70,000 से अधिक लाभार्थियों को 174 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में डाली गई है। ऊना जिले के किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। किसान सम्मान निधि जो सहायता राशि प्रदान की गई है, उससे हमें खेती बाड़ी के लिए बहुत मदद मिली है और प्रधानमंत्री जी का हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं इसके लिए। जो प्रधानमंत्री ने सम्मान निधि 2,000 रुपये हमारे खातों में डाला है, हम उसके बहुत आभारी है। इस संकट की घड़ी में बहुत हमारे खेती बाड़ी के बहुत काम आए, इसलिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के खातों में जो 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में डाले हैं, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विभिन्न घटकों के रूप में गरीबों को राहत पहुंचा रही है। डीडी न्यूज के लिए सुनी से सुरेश कुमार और ऊना से राजीव शर्मा की रिपोर्ट।